कबीरधाम जिला में अब तक सबसे ज़्यादा कौन से खेल में और कितने खिलाड़ी निकले हैं और आगे बढ़े हैं? अभी तक हमारे जिला में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और एक गेम है बॉलमिंटन, तीन गेम ऐसे हैं जिन्होंने कबीरधाम जिलों को बहुत आगे बढ़ाया है। और सबसे ज़्यादा प्लेयर 174 बच्चे सिर्फ बेसबॉल में नेशनल खेल चुके हैं, और सॉफ्टबॉल में हमारे ग्राउंड के खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेल के आई है, बॉलमिंटन में भी बहुत से बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, और साथ में नेशनल खेलने के अलावा हमारे ग्राउंड के बच्चे नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, जो हमारे ज़िले के लिए बहुत गौरव की बात है। और लेकिन बहुत खेद की विषय है कि हमारे अभी जो शासन का भी जो आदेश आया है SGF की तरफ से आया था बीच में, कि सिर्फ ऐसे गेम को काट दिया गया, लगभग 27 गेम को काटा गया है, सिर्फ 20 गेम को ही रखा गया है इस साल स्कूल गेम्स के लिए, जिसके विषय में अभी 14-15 को दिल्ली में बैठक हुआ जिसमें SGF की तरफ से मीटिंग कराया गया था। उसके तहत निर्णय लिया गया है कि जितने भी गेम कटे थे उनको फिर से इस बार जोड़ा जा रहा है, और विगत 10 दिन के अंदर में नई सूची जारी हो जाएगी, उसके हिसाब से फिर से ये गेम स्कूल टूर्नामेंट में खेला जाएगा बच्चों के द्वारा। तो कौन सा गेम खेलते हैं? मैं बेसबॉल सॉफ्टबॉल खेलती हूँ। मेरा नाम कविता सिंह है। मेरे को लगभग 5 साल हो गया है खेलते। और कहाँ कहाँ गए हो? मेरे को 15 नेशनल हो गया, जिसपे मैं 6 ब्रॉन्ज मेडल लगाई हूँ और 1 सिल्वर मेडल, और हाल ही में अभी मैं इंटरनेशनल खेल के आई हूँ साउथ कोरिया से। अच्छा, अभी 21 खेलों का चयन हुआ है 40 स्पर्धा में, लेकिन बेसबॉल का नाम नहीं, इस पर क्या कहेंगे? बेसबॉल के लिए हमारे कोचेस ने यह है अप्रूवल लेने के लिए, अभी लड़ाई कर रहे हैं, अब क्या पता और जुड़ जाए, बाकी तो हमारे कोचेस चल रहे हैं हमारे लिए। अभी 40 स्पर्धा में कितने खेलों को शामिल किया गया? लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के निर्देशानुसार 21 खेलों की सूची आई है, और हमें निर्देशित किया है कि इन खेलों की प्रतियोगिताएं संपन्न कराकर सूची हमारे पास सौंपें, और अन्य खेलों की सूची जैसे ऊपर से हमारे पास आएगी हम आपको प्रेषित करेंगे। जी सर, और कबीरधाम जिले से कितने खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा खेल खेलते हैं? कबीरधाम जिले में हमारा जो खेल जिसमें ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते थे वो खेल अभी शामिल नहीं हुए हैं, जैसे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ड्रापरो बॉल, इन चीज़ों की अभी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। और जो खेल आए हमारे पास उसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, ये सब हैं हमारे पास, उसमें हमारे बच्चे भी पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित होकर भाग ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।